कि इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल की एक खास वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर पोटेंशियल की एक पॉजिटिव वैल्यू है जब आप नेगेटिव से चार्ज को ले जाते हैं पॉजिटिव तक किसी एक खास पॉइंट तक तो कितना वर्क डन करेंगे आप यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है यानी इसमें हम एक पॉजिटिव फील्ड लेंगे और दूसरा हमारे पास होगा पॉइंट एट इन्फिनिटी यानी इसमें नेगेटिव फील्ड इन्वॉल्व नहीं है सो so फर्स्ट आप इसको ड्रा कर लें ये एक पॉजिटिव फील्ड पॉजिटिव फील्ड यानी एक चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और ये उसकी है फील्ड अगर हम लाइंस को शो कर ले इसके अंदर सो so वो यू बन जाएंगे आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज यानी जो पॉजिटिव फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है हम उसको अवे फ्रॉम द चार्ज ड्रा करते हैं यू उनकी डायरेक्शन आ जाएगी

इफेक्ट नहीं कर सकता आप पर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता सो अगर आप ये पॉइंट यहां पर ले ले फील्ड के बाहर यहां पर ले लें यहां पर ले ले किसी भी जगह पर ले ले सो वो होगा पॉइंट एट इंफिनिटी क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा सो so ये हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए जो कि इंफिनिटी के ऊपर है यानी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है एक्चुअली वो फील्ड से बाहर एक पॉइंट है पॉइंट ए से यानी इंफिनिटी से अब आप इसको इजीली इन्फिनिटी कह सकते हैं क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया जो कि फील्ड के बाहर है सो so इन्फिनिटी से यानी इस पॉइंट से आप एक चार्ज को ले जाना चाहते हैं पॉइंट पॉइंट बी तक तक इस फील्ड के के अंदर सो so, कितना वर्क डन आप करेंगे जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि जब आप देखें पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और उसको आप अब मूव करते हैं टुअर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है जिसका फील्ड है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है दोनों पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसीलिए इन दोनों को करीब लाने के लिए या इस चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने के लिए आप वर्क डन करेंगे एक्सटर्नल इस पर एनर्जी आप यूटिलाइज करेंगे उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद आप इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं सो so, डेटा uh, देखें हमें uh, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गिवन है पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर हमने uh, इसको नाम दिया है पॉइंट बी तो हम लिख सकते हैं कि जो पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पॉइंट बी के ऊपर वो कितना है पावर पॉइंट बी के ऊपर है पोटेंशियल टेन रेज टू पावर फोर वोल्ट और चूंकि दूसरा पॉइंट ए जो है वो पॉइंट एट इनफिनिटी है यानी फील्ड से बाहर है तो इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा वो जीरो होगा जीरो और हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन आप पॉइंट ए से जब जाएंगे पॉइंट बी तक चार्ज को मूव करेंगे तो उस पर कितना वर्क डन होगा कितनी एनर्जी आप यूटिलाइज करेंगे इस चार्ज के ऊपर सो यहां पर देखें वही इक्वेशन हम यूज करेंगे लेकिन यहां पर जस्ट एक पॉइंट एट इंफिनिटी होगा जिसको हम जीरो कंसिडर करेंगे हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो हाइयर है चूंकि फील्ड के अंदर है और पॉइंट ए बाहर है वो लोअर है तो इसीलिए हम बी को यहां पर लिखेंगे हायर माइनस लोअर पोटेंशियल ये इक्वल होता है वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन आप करेंगे वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल के फर्क के इक्वल होता है सो so, अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड करना है सो so इसको आप यहां पर ले जाए यू या बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर ले सो ये बन जाएगा w वर्क डन टू इक्वल टू q वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए अब देखें चूंकि पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है वो पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये जीरो बन जाएगा सो हम इसको यू लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इस की वैल्यू हमें ऑलरेडी नॉन है जो कि जीरो है सो so इसीलिए इसकी जगह आप जीरो पोट कर लें सो so ये बन जाएगा वी बी माइनस जीरो अब वी बी से जीरो आप सब्ट्रैक्ट कर लें सो so ये वी बी ही आ जाएगा सो so ये बन जाएगा क्यू इंटू अगर मैं बी को यहां से इग्नोर कर दू क्योंकि अब देखे मेरे पास पोटेंशियल जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर रह गया ए ऐसे ही हमने यहाँ से एलिमिनेट किया है तो इसीलिए बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब दो या तीन मुख्तलि पोटेंशियल हो तो फिर उसको हम ए बी सी लिखते हैं लेकिन हमें एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हो तो फिर ए या बी या सी जो सबस्क्रिप्ट है वो हम नहीं लिखते सो तो अब देखें अब जस्ट इनमें वैल्यूज पुट कर लें सो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू गिवन है वो है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव क्योंकि वैल्यू आप देखें जो हमें गिवन है यहाँ पर सॉरी वो है हंड्रेड हंड्रेड 100 हंड्रेड कूलम्स यहां पर आप पुट कर लें हंड्रेड माइक्रो कूलम्स इनटू पोटेंशियल जो है वो गिवन है टेन एज टू पावर फोर

इसके साथ ये माइक्रो आ जाएगा टेन एज पाइनस सिक्स इंटू टेन एज टू पावर फोर ये अपनी जगह पर आ जाएगा सो देखें सब के जो बेसिस हैं वो सेम है इसका बेस भी है टेन इसका भी है टेन और इसका भी है टेन जो बेसिस सेम हो फिर हम इजीली उनके जो पावर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं सो आप इनके पावर्स को ऐड कर ले बन जाएगा वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर्स ऐड कर ले तो ये बन जाएगा टेन पावर एक का है टू दूसरे का है माइनस सिक्स माइनस सिक्स और तीसरे का है फोर सो so, अगर आप देखें टू प्लस फोर ये सिक्स बन जाएगा और सिक्स सिक्स माइनस ये आ जाएगा जीरो सो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा टेन पावर जीरो वर्क डन इज इक्वल टू टेन रेस पावर जीरो और टेन रेस पावर जीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है वन के सो ये बन जाएगा वन और इसकी यूनिट है जाओल्स सो so, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट को इन्फिनिटी से यानी फील्ड के बाहर से फील्ड uh, के अंदर तक के पॉइंट तक टेन पर फोर वोल्ट्स तक ले जाना चाहते हैं पोटेंशियल तक तो इस पर आप कितना वर्क डन करेंगे वन जाओल और जो पॉइंट हमने नोट की इस फील्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट था वो ये था कि फील्ड के बाहर जो भी आपके पॉइंट एट इन्फिनिटी आपको आ जाए किसी क्वेश्चन में किसी प्रॉब्लम में किसी भी जगह पर सो so वहां पर हम पोटेंशियल क्या लेंगे वो जीरो लेंगे अगर आप इन मुख्तलिफ पॉइंट्स को देखें ये भी फील्ड के बाहर है सो so है कि यहाँ पर भी जीरो होगा पोटेंशियल यहाँ पर भी जीरो होगा यहाँ पर भी जीरो होगा यहाँ पर भी जीरो कोई भी पॉइंट आप फील्ड के बाहर ले लें सो so वहाँ पर पोटेंशियल होगा जीरो वोल्ट्स